उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से भगवान हनुमान को दलित बताए जाने के बाद शुरू विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। अब इस विवाद में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान भी कूद गए। उन्होंने योगी पर तंज करते हुए कहा कि अब चुनाव तक मुस्लिम भी रावण हो जाएंगे। आजम का यह बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। आइए सुनते हैं क्या कहा आजम खान। समझ में नहीं आता इस पर रोए हंसे क्या करें। अब जो उन्होंने बता दिया वो तो सही है, इतिहासकार भी हैं, बड़ी पकड़ है इतिहास पर, ऑक्सफोर्ड से भी हिस्ट्री में उन्होंने पीएचडी की है, कैम्ब्रिज से भी की है, नालंदा से भी की है उन्होंने, जिसके अवशेष प्राप्त हुए हैं उससे भी योगी जी और मोदी जी दोनों इतिहास की डिग्रियां और पीएचडी हासिल किए हुए हैं, तो उनकी बात तो मानना चाहिए। बस ये तय होना चाहिए कि दलितों में कौन से दलित, तो दलितों में भी बहुत बंटवारा है कौन से दलित। सीता जी को टेस्ट ट्यूब बेबी बताया बीजेपी के नेता साहब ने, हनुमान जी को दलित बताया और रावण को मुसलमान बताया, तो सुना है कुछ चल रहा है सोशल मीडिया पर कि चुनाव तक रावण भी मुसलमान हो जाएंगे। अच्छा, हमें कोई एतराज नहीं है क्योंकि रावण के बारे में एक बात बहुत मुसद्दका है कि रामचंद्र जी ने वध के बाद अपने भाई लक्ष्मण से यह कहा था कि जाओ और रावण से दीक्षा हासिल करो, क्योंकि वो महापंडित भी थे। महापंडित का मतलब ये नहीं होता कि महाब्राह्मण थे, बल्कि महाविद्वान थे। एसपीएन 9 न्यूज रूम से काशिफ की रिपोर्ट।